माय नेम इज मेहर, वेलकम टू माय चैनल शेख मेहर 007। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज मैं बनाना बता रही हूँ पनीर मखनी। हमारे एक व्यूवर्स की फरमाइश थी और भी बहुत सारे व्यूवर्स की फरमाइश है, हम जल्द से जल्द पूरी कोशिश करेंगे उनकी फरमाइशें पूरी करने की। उस पनीर मखनी के लिए क्या क्या इंग्रीडियंट्स लगेंगे वो देखिए। 250 ग्राम पनीर जाएगा, वो मैंने स्लाइस में काट लिया है। 50 ग्राम दही जाएगी, 50 ग्राम मक्खन जाएगा, 50 ग्राम काजू का पेस्ट जाएगा, एक बड़ी प्याज को मैंने पीस ली हूँ मिक्सर में, वो पेस्ट जाएगा प्याज का, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा, 2 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून जीरा जाएगा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला जाएगा, 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर जाएगा, 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम जाएगी, 1/2 टीस्पून हमारा हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर जाएगा, कसूरी मेथी जाएगी। कसूरी मेथी आप अपने अंदाजे से ले सकते हैं, मैंने 2 चुटकी ली है, आपको चाहे तो थोड़ा और बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। नमक टेस्ट के हिसाब से जाएगा, तेल हमें 1/2 कप लगेगा। चलिए इसका मेथड मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैंने अपना चूल्हा चालू कर दी हूँ, कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी हूँ और मुझे थोड़ा सा तेल डालना है इसमें, ज्यादा तेल नहीं डालेंगे, तकरीबन 2 चम्मच हमको 2 टेबल स्पून हमें तेल डालना है। उसके बाद में हमें ये जो हमारा मक्खन लिया है 50 ग्राम वो मक्खन डाल देंगे। डायरेक्ट मक्खन आपको नहीं डालना, तेल के साथ में डालना है क्योंकि कभी भी ना मक्खन जल जाता है। इसके बाद में हमारा मक्खन मेल्ट हो जाएगा, ये देखिए। तो हम इसमें प्याज जो हमारी पिसी हुई है वो ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज हम ऐड कर दिए और प्याज को अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन जैसा भुनने देंगे और उसी के साथ में हम 1 चुटकी हमारी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। और 1 चुटकी मैंने रखी हूँ, मुझे बाद में डालनी है जब हमारा पनीर मखनी रेडी हो जाएगा। जब तक हमारी प्याज का कलर चेंज नहीं होएगा जब तक हमें कोई मसाला ऐड नहीं करना है क्योंकि प्याज की थोड़ी कच्चा स्मेल आती है। ये देखिए हमारा प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, हमें यहाँ पे हल्दी ऐड करनी है अपनी, टर्मरिक पाउडर, और उसके बाद में हमें ये मिर्ची पाउडर ऐड करना है। ये गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे हम, ये हमारा खड़ा जीरा चला जाएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट चला जाएगा। इसी स्टेज पे हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है हमारे मसालों को भुनने के लिए, 1-2 चम्मच की तरह करना है ऐड, बाकी ज्यादा नहीं ऐड करना है, बस हमारा मसाला भुन जाए। इसी स्टेज पे हम अपनी दही को फेंट के दही डालेंगे। ये देखिए पूरी दही हमने डाल दी इसमें, थोड़ा सा दही को हम मसालों में मिक्स करने होने देंगे। उसके बाद में हमें हमारा जो काजू का पेस्ट है वो डालेंगे। काजू का पेस्ट लास्ट में हम क्यों डालें, कि हमारे मसाले नीचे लगने लगते हैं, काजू का पेस्ट थोड़ा थिक रहता है, थोड़ा जलने लगती है हमारी ग्रेवी, इसलिए हम इसे लास्ट में डालेंगे। और थोड़ा सा पानी हम फिर ऐड करेंगे, ये देखिए 1-2 चम्मच मैंने फिर ऐड करा है पानी, सिर्फ मसाले हमारे जले नहीं इसलिए मैंने वो पानी ऐड करा है। हल्का सा इसे मसालों को भुनने देंगे, थोड़ा हमारा जो मक्खन है और तेल है थोड़ा मसाले के ऊपर आने लगेगा, तो फिर हम फ्रेश क्रीम और अपना पनीर ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए हल्का हल्का हमारा तेल ऊपर आने लगा है, अब हम अपना नमक ऐड करेंगे इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और थोड़ा सा
सा हमको ऑयल डालना है, यानी कि जो ये मसाला है ये भुनने लगा है, थोड़ा तेल देखिए ये आ चुका है, थोड़ा हम इसमें डालेंगे तो और अच्छा तेल ऊपर तीरा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। और थोड़ी देर इसको 1 से 2 मिनट और होने देंगे, फिर उसके बाद में हम अपनी फ्रेश क्रीम डालेंगे। ये देखिए हमारा ऑयल मसाले के ऊपर पूरा आने लगा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब इसी स्टेज पे हमें अपनी ये जो फ्रेश क्रीम है उसको ऐड कर देंगे। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद में अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, फिर हम कसूरी मेथी बची हुई जो है अपनी वो डालेंगे। ये देखिए अभी हमारा मसाला एकदम रेडी है, हम अपना पनीर डालेंगे। पनीर लास्ट में थोड़ा इसलिए डाला जाता है कि हार्ड ना हो जाए, बहुत सॉफ्ट है। मैंने मलाई पनीर ली हूँ, आप कोई भी पनीर यूज कर सकते हैं, लेकिन मलाई पनीर लेंगे तो बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। कितना देखिए कितना सॉफ्ट है। और इसे डालने के बाद में हमें ओवर कुक नहीं करना है, 1 से 2 मिनट खाली हमको पकाना है और हमारा पनीर मखनी फिर रेडी हो जाएगा। मैं 1 से 2 मिनट इसको पकने दूंगी और फिर आपको मैं इसको डिश आउट करके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड हमारा पनीर मखनी तैयार है और कितना कलरफुल, कितना अच्छा लग रहा है। देखने में जितना अच्छा है खाने में उतना ही यमी है। मैंने इसमें क्या करी हूँ, प्लेटिंग करते समय मैंने इसमें थोड़ा सा बटर डाल दी हूँ और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स को मैंने कटिंग करके वो डाल दी हूँ। इतना अच्छा लग रहा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप जरूर ट्राई कीजिए, अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल शेक मैट 007। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।